नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका दा एग्जाम गुरु पर। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और हमारे द्वारा दी जा रही सभी क्लासेस की सहायता से अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूत बना पा रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज एक नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो रेखीय समीकरण, जिसको हम युगपत समीकरण भी कहते हैं, इकाई नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे साथी, पिछली बार इस इकाई की बात करें तो दो नंबर का एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपकी दो समीकरण दे रखी थी और उनको हल करने के लिए आपसे बोला गया था। तो प्यारे साथियों, इसमें ऐसा ही होता है, इस इकाई में ऐसा ही होगा, आपको दो समीकरण दे रखी होंगी और उनको हल करने को बोला जाएगा। प्यारे साथियों, अगर हम समीकरण को हल करने की बात करें तो हमारे पास दो मेथड है, एक प्रतिस्थापन विधि और एक दूसरी हमारे पास है विलोपन विधि। एक दूसरी विधि हमारे पास है विलोपन विधि। प्यारे महारथियों, यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है। जब पिछली बार प्रश्न पूछा गया था तो इसमें यह नहीं बोला गया था कि आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है या फिर विलोपन विधि से सॉल्व करना है। बात समझ में आपको आ रही होगी। तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि हमसे कोई किसी विधि से सॉल्व करने के लिए बोला गया हो। यानी कि हमारे पास जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें च्वाइस थी कि चाहे तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें या फिर विलोपन विधि, इन दोनों में से किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, एग्जामिनर का कुछ भी नहीं कह सकते। क्या पता आने वाले समय में या फिर जो आपकी परीक्षा होगी DLED फॉल सेमेस्टर की, उसमें आपके दो समीकरण देके ये पूछे कि भाई आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या आपसे ये बोल दें कि आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो यानी कि हमें दोनों ही विधियों का इस्तेमाल करके समीकरण को हल करना सीखना होगा। मेरे प्यारे महारथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात अवश्य आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ। जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, जब हम ये इकाई पढ़ रहे होते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि जब समीकरणों को हल करने की बात होती है, जहां पर x, y, a, b, c कुछ समीकरण में लिखा होता है, तो वहां पर आप में बहुत सारे साथी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। यानी आपकी जो विचार है मन में आना प्रारंभ हो जाते हैं कि आप समीकरण को नहीं हल कर सकते। पहला विचार आपके मन में यही आता है। प्यारे साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस टॉपिक से आसान टॉपिक नहीं है, आज आपको पता चल जाएगा। आज आपको महसूस होगा कि जो आपने अपने मन में जो भ्रांति को बनाकर रखा हुआ है, यकीन मानिए आपकी जो भ्रांति है वो खत्म हो जाएगी, है ना। डर जो है आपका दूर हो जाएगा, जो आपने संदेह मन में बिठा रखा है वो खत्म हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। बस एक तरह से ये मान के चलो कि बस गुणा ही भाग है और कुछ नहीं है, बस गुणा भाग ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत आसान। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि की आज की क्लास में, अगली क्लास में हम बात करेंगे विलोपन विधि की। प्यारे साथियों, बहुत आसान है, विश्वास रखो, हम पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, यकीन मानो बहुत अच्छे से हम ये टॉपिक सीख पाएंगे। और इसमें एक प्रश्न तो पक्का है, पूछा ही जाना है, चाहे एक नंबर में पूछे या फिर आपसे दो नंबर में पूछे। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग बात करेंगे आज किसकी, प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए बिना देर किए हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई आपके पास दो समीकरण हैं, ठीक। मैंने बोला आपके पास दो समीकरण हैं, एक समीकरण प्यारे साथियों आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी समीकरण है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 18, ठीक है। आपसे बोला जाएगा समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। आपसे बोला जाएगा निम्न समीकरणों को हल कीजिए, समीकरणों को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब मेरे प्यारे से महारथियों, आपसे पूछ सकते हैं x और y की क्या मान होंगी। बात क्लियर? फिलहाल यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन सी, प्रतिस्थापन विधि की। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब बहुत प्यारी सी बात कि एक समीकरण, देखो दो समीकरण है हमारे पास और दोनों में x y लिखा हुआ है, तो एक समीकरण में से या तो x का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखें या फिर y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखें, यही हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। तो प्यारे साथियों,
अगर हम बात करें तो समीकरण बन की बात कर रहे हैं, ये आपकी बन है और ये आपकी समीकरण, ये आपकी समीकरण कौन सी है, टू है। बहुत आसान है, यकीन मानो बहुत आसान है। तो देखो अगर हम समीकरण वन की बात करेंगे तो यहाँ से मान लीजिए हमने एक्स का मान निकाला, तो प्यारे साथियों बहुत आसान है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो बाई इधर पहुंच जाएगा यानी सिक्स प्लस बाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, समीकरण एक से हम बात कर रहे हैं, बहुत आसान, बहुत आसान है, क्लियर है सभी को। ओके तो यहां से एक्स निकल के आया सिक्स प्लस बाई, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण दो में रख देंगे, इसको समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर देखो बहुत आसान है, निश्चिंत रहो। अगर समीकरण दो की बात करेंगे तो x कितना हमारे पास, देखो एक से हमने x बराबर निकाला 6 प्लस बाई, तो x की जगह पे कितना रखोगे 6 प्लस बाई, तो 6 प्लस बाई और ऑलरेडी पहले से बाई है, मतलब क्या है, जो हमारे पास x था उसकी जगह पे 6 प्लस बाई हमने रख दिया, और बराबर कितना है या इक्वल में कितना है 18। प्यारे भारतीयों एक बात आप समझ सकते हैं कि बाई और बाई को जोड़ेंगे तो दो बाई हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा 18 के। अब मेरे प्यारे से भारतीयों यहाँ से आप निकाल सकते हो 18 माइनस 6 होगा, बिल्कुल हो जाएगा, 6 आपका उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे आप कह सकते हो सर कि भाई 18 माइनस 6 होता है 12, तो आप यहाँ पर 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 छंग 12, यानी कि बाई का मान कितना आ गया 2, बाई का मान कितना आ गया सॉरी 2 नहीं 6 आ गया। यहाँ तक बात आसान है, हर किसी महारथी को, प्रत्येक महारथी को समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, परेशान ना हो, ये सवालों की बौछार हम करते रहेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। प्रश्न बहुत सारे हैं मेरे पास, लगातार हम लोग पढ़ते रहेंगे, प्रयास है जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो ये बात सबको समझ में आ रही, बाई निकाल लिया, अब देखिए बाई निकाला इसको, अब हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसको चाहे तो समीकरण एक में रखो चाहे दो में, किसी में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी में रख दो, दोनों में रख के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने बोल दिया, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं बाई की, तो समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर सबको दिख रहा होगा नीचे, सबको दिख रहा है नीचे, रखने पर, बात क्लियर है, ठीक, समीकरण एक में रखने पर, बहुत प्यारी सी बात, ठीक। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक हमारे पास कौन सी है भाई, समीकरण एक है हमारे पास x माइनस बाई इज इक्वल टू 6, तो हमने x का मान निकालना है, बाई हमारे पास कितना आया 6 आया और इज इक्वल टू 6, तो x बराबर इधर ले जाओगे प्यारे साथियों तो 6 प्लस 6 होगा, तो x बराबर कितना 12, और ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि आप कह सकते हो x इज इक्वल टू कितना 12 एंड y इज इक्वल टू कितना 6, ये क्या होंगे इस समीकरण के हल होंगे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर सवाल बहुत बड़ा जा रहा है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर सवाल आएगा तो चांसेस इस बात के हैं कि 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, बात क्लियर है, 2 अंक में पूछा जाएगा, और 2 अंक में अगर आपसे सवाल करने को बोला जाए तो बहुत आसानी से इस सवाल को आप कर लोगे, बात क्लियर है, परेशान ना हो, अगले सवाल की तरफ चलेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा, बने रहिए। अगर आपको पढ़ने मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोको जल्दी से, ठीक है, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, मैंने बोला कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, x माइनस बाई इज इक्वल टू कितना है 4 है और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 27 है, ये समीकरण है हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास एक समीकरण और ये हमारे पास दूसरी समीकरण। तो मैंने क्या कहा, बहुत आसान तरीका बताया, क्या सबसे पहले समीकरण एक से सॉल्व करो, एक से कर सकते हो समीकरण एक से, तो समीकरण एक से x निकाल लो तो प्यारे साथियों कितना आ जाएगा 4 प्लस बाई, ये होगा या नहीं होगा, तो 4 तो यही रहेगा, बाई इधर पहुंच जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसको समीकरण दो में रख दो, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, तो प्यारे साथियों समीकरण दो हमारे पास ये है,
तो हमने क्या करना है, x की जगह पे 4 प्लस वाई रखना है। तो x 3x है तो 3 बाहर, मतलब 3 इंटू 4 प्लस वाई, और इधर हमारा 2y पहले से ही है, इज इक्वल टू कितना 27। बात क्लियर है यहाँ तक? बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। क्या 3 × 12 होगा? बिल्कुल होगा प्यारे भारतीयों। क्या 3 × 22 यानी 3y होगा? बिल्कुल होगा। प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 27। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लोगे ना तो आपका ये 5y हो जाएगा, और उधर 27 माइनस कितना होगा 12, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा ना। देखो ये 3 × 2 = 5/12 उधर ले जाओगे तो माइनस का। अब मेरे प्यारे से महारथियों ये कितना बचा 15, ये कितना बचा 15, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, ये कह सकते हो कि 5y इज इक्वल टू कितना है 15, है ना। 27 − 12 = 15 हो गया, 5 से उड़ा दो, 5 × 3 = 15, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, y इज इक्वल टू कितना 3। अब y इज इक्वल 3 आ गया, समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक में रख दो। वैसे क्या है प्यारे से महारथियों, वैसे क्या है समीकरण दो में भी रख सकते हैं, लेकिन समीकरण एक में थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसमें रखोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी, दोनों से ही हमारा आंसर बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें बाई हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ पर रखोगे तो एक्स माइनस 3 = कितना 4, तो एक्स बराबर 4 + 3, तो एक्स बराबर कितना होगा 7, यानी कि समीकरण के हल लिखेंगे तो एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 3, ये क्या हो गया आंसर हो गया। बताओ मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से समझाए समझते चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने की, ठीक, कोई भी यहाँ तक दिक्कत नहीं आने की। बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? परेशान ना होइए, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे विलोपन विधि की, तो फिलहाल अभी प्रतिस्थापन विधि पर कुछ और बेहतरीन सवाल करने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ और सवाल करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लिख लेते हैं फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, तो मैं लिख लेता हूं फटाफट से, 5x − y इज इक्वल टू 9 और 6x − 2y इज इक्वल टू 10। तो एक बार सभी साथी इसको ट्राई भी कर सकते हो हमारे साथ मिलकर, ठीक। अब देखो ये हमारे पास समीकरण एक है और ये हमारे पास समीकरण दो है, तो मैंने कहा चाहे समीकरण एक से या फिर दो से किसी एक्स या वाई का मान निकाल कर दूसरी इक्वेशन में रख दो, किसी अगर आप दूसरे से एक्स या वाई निकालोगे तो पहली में रखोगे, पहली से एक्स या वाई निकालो दूसरी में रखोगे, बहुत आसान सी बात। तो कैसे करा जाए? देखो कौन सा आसान होगा, देखो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो 5x बराबर आप 9 + y कर लो, और x बराबर कितना हो जाएगा 9 + y / 5 हो जाएगा यहाँ से उसको हम किस में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। या अगर आप इसको और आसान करना चाह रहे हो, इसको और आसान करना चाह रहे हो, तो देखो ये 5x − y इज इक्वल टू कितना है 9, यहाँ से y का मान निकालो तो y उधर पहुँच जाएगा और 9 इधर आ जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 5x − 9। तो या तो हम x का मान रखें किसमें, समीकरण दो में, या फिर y का मान रखें, तो कौन सा आसान होगा आप खुद बताओ, हालांकि दोनों से करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो ये वाला लग रहा है ये ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए गुणा भाग करने में, ठीक, ये थोड़ा दिक्कत करेगा, तो इसको रख दो y बराबर 5x − y किस में रख दें, समीकरण दो में, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर। अगर समीकरण दो की बात करेंगे तो प्यारे साथियों 6x − 2, इस बार y का मान है, y की जगह पे कितना रखोगे 5x − 9, और ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा 10 के। बात क्लियर है यहाँ तक? बताओ सबको समझ में आ रही है यहाँ तक बात? नहीं, ठीक है, ओके तो
कर सकते हो फटाफट से आगे सॉल्व। देखो 6x माइनस गुणा करो तो दो पंजे कितना 10x, अच्छा माइनस की गुणा प्लस से तो 9 दूनी कितना 18 बराबर कितना होगा 10, इतना हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो पंजे 10x प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और दो नेम कितना 18। अब यहाँ पर बताओ ये मेन है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये 6x माइनस 10x है, इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं ये माइनस का 4x है। ये कितना है देखो भाई, 6x माइनस 10x करोगे तो माइनस का 4x, ये 18 उधर ले जाओ, अगर 18 उधर ले जाओगे तो 10 माइनस 18 हो जाएगा, तो माइनस का 4x बराबर माइनस का 8 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल 4 दूनी 8, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो 2 हमने कहाँ रखना है, इसमें रख दो पहली इक्वेशन में। तो x अगर 2 रखोगे तो 5 गुणे 2 है ना, और माइनस का 2 ये किसके बराबर होगा, ये 9 के बराबर होगा। तो अब यहाँ से निकाल सकते हो आसानी से, 5 दूनी कितना बच्चों 10, और ये 9 इधर लाओगे तो माइनस का 9, अच्छा 2 उधर ले जाओ, 2 उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2 बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पर तो 1 ही आ रहा है, यानी 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो x इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू 1 इस समीकरण के क्या होंगे, इन समीकरण के आपके हल हो जाएंगे, इन समीकरणों के क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे साथियों, बस x और 2 का मान निकाल कर, या तो x का निकालो या फिर 2 का मान निकालो, दूसरी इक्वेशन में रख दो, बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं, बताओ, बहुत आसान है, बहुत आसान, बस हमने यहाँ पर y निकाला, इसमें रखा, x आ गया, x का मान जो है पहली इक्वेशन रख दिया, 2 आ गया। अभी परेशान ना हो, चलो एक और सवाल देखते हैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अभी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, परेशान ना हो, हर एक बात समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा बस कुछ अगर आपको दिक्कत हो, वैसे दिक्कत होगी नहीं, अगर आपको दिक्कत हो ना कि सवाल आपको कम समझ में आए, या मान लो आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन करने चाहिए, तो कोई भी बुक उठा लेना, उसमें आपको इस तरह के प्रश्न हो वो सॉल्व कर लेना, आपकी प्रैक्टिस खुद ब खुद बन जाएगी, आपकी अच्छी स्पीड हो जाएगी। चलो एक और प्रश्न लेना चाहेंगे, अगला प्रश्न है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये आपका माइनस 1 है। तो इन समीकरण को हल करना है, एक बार ट्राई भी कर सकते हो आप सभी साथी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है, ओके, और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो बहुत आसान तरीके से कर पाओगे, देखो पहली समीकरण की बात करेंगे, ये दूसरी, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करोगे, 3x बराबर माइनस का 2y हो जाएगा या नहीं, बताओ, इतनी बात समझ में आ रही, क्योंकि 0 है, उधर ले जाओगे तो माइनस का 2y, तो बच्चों यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2y अपॉन कितना 3, माइनस का 2y अपॉन कितना 3, ठीक, इसको कहाँ रखोगे, इसको समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, देखो बच्चों यहाँ पर 2x है, तो x कितना है माइनस 2y अपॉन 3, तो x की जगह पे माइनस 2y अपॉन 3 ऐसे करके रख देंगे, और प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 1, इतना हो जाएगा ना, इतना कर लेंगे सब लोग। देखो भाई x इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन 3 है बच्चों, हमने क्या किया, इसको दूसरी इक्वेशन, तो प्यारे भारतीयों दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की जगह पे हमने माइनस 2y अपॉन 3 रख दिया इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, यहाँ से क्या बनेगा, 2 दूनी 4 यानी कि माइनस का 4y और अपॉन कितना 3 और प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना बन रहा है माइनस, इतनी बात समझ में आ रही। देखो अब होता क्या है, ये 3 की गुणा इससे,
अब यहाँ पे समझना, थ्री की गुणा इससे, तो तीन की गुणा बाई से तीन बाई हो जाएगा, यानी कि ऐसे बनेगा माइनस चार बाई प्लस थ्री बाई और अपॉन में कितना थ्री इज इक्वल टू कितना माइनस वन। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, थ्री बाई प्लस का माइनस का फोर बाई ऐसे ही रहेगा इधर। अब देखो यहाँ पर ये बताओ क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस का चार बाई है प्लस तीन बाई, तो माइनस का एक बाई बचेगा। जब तिरछी गुणा कर लोगे आप, तीन माइनस का हो जाएगा, तीन से गुणा करोगे माइनस वन की, बाई से माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई कितना आ गया, बाई आपका कितना आ गया तीन। अगर बाई तीन है तो समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक कहता है थ्री एक्स प्लस टू बाई और बाई कितना है तीन बराबर जीरो, तो थ्री एक्स बराबर तीन दूनी छः, उधर जाके माइनस में तीन दूनी कितना छः, तो एक्स बराबर माइनस का टू, एक्स बराबर माइनस टू, तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्स माइनस टू और बाई कितना थ्री, ये आपका बनेगा। बात क्लियर, बताओ सवाल समझ में आया, सवाल सबको समझ में आया, बताओ जल्दी से फटाफट से, मज़ा आ रहा तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो साथी नए जुड़े हैं एक बार शेयर कर दो, सभी साथी एक बार जल्दी से इसको शेयर भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को बताओ, चाहने वालों को बताओ। हाँ भाई सवाल समझ में आ गया, थोड़ा सा बस ये क्या है, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कुछ महारथियों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तीन एक बाई तीन से बाई गुणा करेंगे, तीन बाई हो गया आपका प्लस का, तो माइनस चार बाई प्लस तीन बाई, तो माइनस चार बाई प्लस तीन बाई, तो माइनस का एक बाई तो बचेगा, एक लिखो या ना लिखो, और बराबर कितना तीन से गुणा इधर पहुंच जाएगी, तीन माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई आ गया तीन, बाई का मान हमने इस इक्वेशन में रख दिया, तो बाई जो थ्री एक्स तो ऐसे ही रहेगा प्लस टू इंटू थ्री, थ्री मतलब बाई, तीन उन्नीस छः हो गया, उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तीन से काटो माइनस का दो, तो एक्स माइनस का दो आ रहा है और बाई कितना आ रहा है प्लस का तीन। बात क्लियर है, अभी रुको अगले सवाल पे चलेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक अगले सवाल पे चलते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा, देखो परेशान ना हो, प्रैक्टिस करा देंगे, अभी अगला क्लास में भी हम लोग एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो सीख जाओगे, ऐसा कुछ है नहीं जो आपको परेशान करे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा सॉल्व करने में थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, सभी साथी सॉल्व कर सकते हैं, सभी साथी सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल पर चलेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस बाई, ये आपको 3 दे रखा है, और 2x माइनस बाई ये आपको दे रखा है 1, तो ये आपकी समीकरण 1 है और ये आपकी समीकरण 2 है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले से चाहे तो देखो बाई का मान निकाल लो, समीकरण 1 से बात करेंगे, समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से करेंगे तो चाहो x निकालो चाहे बाई, देखो अगर 2x बराबर करोगे तो 3 माइनस बाई आएगा, सुनना मेरी बात, 2x बराबर करोगे तो बाई माइनस 3 आ जाएगा, नहीं 3 माइनस क्या होगा, 3 माइनस क्या होगा बाई होगा, तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस बाई बटे 2, तो ये बटे में आ रहा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ख़राब होती है इससे, मतलब क्या है कैलकुलेशन ख़राब होती है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करो, आप x ना निकालो, आप बाई निकाल लो, अगर बाई निकालोगे तो बाई बराबर 3 माइनस कितना 2x, अब ये सवाल आसान हो जाएगा, देखो ना बाई निकालोगे ना तो 3 ऐसे ही रहने दो और 2x इधर ले जाओगे तो माइनस का 2x, किस समीकरण में रख दे, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, तो बाई 2x तो ऐसे ही रहेगा, 2x तो ऐसे ही रहेगा माइनस का, बाई की जगह पे कितना रखोगे 3 माइनस 2x और इज इक्वल टू कितना है 1, बात समझ में आ रही है, बाई की जगह पे कितना रख दिया 3 माइनस 2x, तो प्यारे से महारथियो 2x माइनस देखो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 2x और बराबर कितना 1, देखो माइनस माइनस प्लस 2x 2x कितना हो गया 4x, माइनस 3 उधर ले जाओगे तो 1 प्लस 3 होगा, तो 4x बराबर कितना 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी 4 एकम 4, तो x बराबर कितना 1, x बराबर कितना 1, बात आसान है, बिल्कुल आसान है, x बराबर 1 जो है समीकरण किस में रख दिया जाए, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास 2, 2x प्लस बाई, तो x कितना
एक तो दो गुणे एक प्लस बाई और इज इक्वल टू कितना है थ्री। तो दो एकम दो उधर ले जाओगे तो बाई इज इक्वल टू थ्री माइनस टू यानी बाई कितना होगा एक होगा, बाई कितना होगा एक होगा। बताओ मज़ा आ रहा समझने में? बिल्कुल मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। ऐसा कुछ नहीं जो आपको परेशान करे क्योंकि आसान आसान सवाल हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू भी आपका वन आ रहा है, बताओ ठीक। सवाल के लिए सब क्लियर है यहाँ पर, सवाल सभी को क्लियर होगा। एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं जो आपका प्रश्न पूछा गया उसको भी अगली क्लास में करेंगे। अभी बस यहाँ पर हम प्रतिस्थापन जो विधि है इसका कैसे करके इस्तेमाल करते हैं उस पर हम प्रश्न कर रहे हैं। एक प्रश्न है x माइनस बाई इज इक्वल टू कितना थ्री। दूसरी इक्वेशन है बच्चों यहाँ पर वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन टू वाई इज इक्वल टू कितना, ये आपका सिक्स है, ये आपका सिक्स है। तो ये बच्चों यहाँ पर समीकरण एक है, ये दूसरा समीकरण आपके पास दो है, ठीक है। ये समीकरण आपके पास दो है तो क्या करेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक से क्या करोगे चाहे x निकालो चाहे y, तो x निकालोगे, x निकाला कितना आ जाएगा थ्री प्लस बाई हो जाएगा। ये समीकरण दो में रख दो, तो कितना आसान है भाई, वही स्टेप हम लोग जो है बार बार करते चले जा रहे हैं, ठीक है, बार बार करते चले जा रहे हैं। तो इसमें रख दो x का मान, देखो वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस बाई और प्लस वन अपॉन टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, इज इक्वल टू सिक्स। बात क्लियर है, बात क्लियर है। वैसे तो क्या साथ ही इसमें एक बटे दो से मतलब ये एक बटे दो, एक बटे दो आ रहा है, चाहे दो से गुणा कर दोगे यहाँ पर, चलो उसको छोड़ो अब ऐसे ही करो, परेशान नहीं हो वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। चलो अब गुणा करो, गुणा करना देखो, ये गुणा करोगे तो थ्री अपॉन टू हो जाएगा, इसकी गुणा इससे होगी थ्री अपॉन टू, प्लस वन अपॉन टू बाई हो जाएगा और प्लस वन अपॉन टू बाई ये ऑलरेडी है, ऐसे करके बनेगा वन अपॉन टू की गुणा इससे होगी थ्री अपॉन टू, ये बन जाएगा एक बटे दो बाई और एक बटे दो बाई, एक बाई हो जाएगा या नहीं, तो सिक्स माइनस थ्री अपॉन टू लिख सकते हैं इस तरह से, नहीं नहीं बात समझ में आई। ये भी आधा बाई है, ये भी आधा बाई है, तो एक बाई हो जाएगा, बेहद आसान सी बात, आधा बाई हाफ वाई हाफ वाई ऐड करेंगे तो एक बाई वन वाई, तो वन लिखो या ना लिखो। अच्छा थ्री अपॉन टू है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट। अब देखो गुणा होती दो छंग कितना बारह, दो छंग कितना बारह, दो छंग कितना बारह और बारह माइनस कितना तीन, जो माइनस का साइन लगाया तो माइनस में करेंगे तीन, अगर होता प्लस का तो बारह प्लस तीन करते, फिलहाल छः दूनी बारह और माइनस तीन कितना बारह माइनस तीन कितना नौ, तो यहाँ पर बोल सकते हो नौ बटे दो, नहीं बात समझ आई, छः दूनी बारह माइनस तीन कितना नौ बटे दो। बाई का मान निकाल आया, समीकरण एक में रख दो, ऐसे रख देंगे ना हम लोग, एक्स तो ऐसी रहेगा माइनस बाई कितना नौ बटे दो हमने यहाँ पे रख दिया। तो प्यारे से महारथियों एक्स बराबर हो जाएगा थ्री प्लस नाइन अपॉन टू, तो दो तिया छः, दो तिया छः, अब देखो नौ जोड़ेंगे तो यहाँ पर पंद्रह बटे दो हो जाएगा, पंद्रह बटे दो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x आ गया पंद्रह बटे दो और y कितना आ गया नौ बटे दो, तो ये दोनों इस समीकरण के हल हो जाएंगे, दोनों जो मान हैं वो समीकरण के क्या होंगे हल हो जाएंगे। बताओ बताओ सबको समझ में आया, गुणा भाग जो घटाना ही है इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं जो आपको परेशान कर सके। तो हमने जो आज विधि सीखी है वो प्रतिस्थापन विधि सीखी है, वो हमने प्रतिस्थापन विधि से कैसे करके हम समीकरण को हल करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं, ये हमने आज सीखा है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, पढ़ने मज़ा आया, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली क्लास में इसी तरह की समीकरणों को हल करने की एक दूसरी मेथड भी होती है, दूसरी विधि होती है, जिसको मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ विलोपन विधि, तो विलोपन विधि को भी अगली क्लास में सीखेंगे। वैसे तो क्या आज तक ऐसा प्रश्न कोई नहीं पूछा गया जिसमें ये बोला गया हो कि आपको इस विधि से सॉल्व करना है, मतलब अगर समीकरण को हल करने के लिए बोला गया है तो आप चाहो तो दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जब तक स्पेशली ना बोला जाए, अगर आपसे स्पेशली बोला गया कि भाई प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करो, तब तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, बात क्लियर है। चलो फिलहाल यहाँ पर
आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम विलोपन विधि। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।